Hello students, in our previous lecture we have completed worksheet 1 and 2 of unit 7. Now we will do the worksheet 3. So before discussing about this worksheet, firstly you should know some points related to the decimals number. देखो जैसे हमारा सिंपल नंबर्स में होता था कि अगर हम किसी भी सिंपल नंबर लाइक 47 ले लेते हैं, अगर हम इसको किसी जीरोस वाले नंबर मतलब 1 के साथ जीरो वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसी नंबर के पीछे उतनी ही जीरोस लग जाती हैं। अगर 100 से किया होता तो इसके पीछे 2 जीरो लग जाती, 1000 से किया होता तो पीछे 3 जीरोस। हमें मल्टीप्लाई करके देखने की नीड नहीं होती थी, हम यह ट्रिक यूज़ करते थे। ऐसे ही डेसिमल्स नंबर के केस में भी होता है, रीज़न भी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, बट पहले आपको मैं ट्रिक बता दूं कि देखो 6.92 मल्टीप्लाई 10, अगर 10 यानी कि 1 के साथ ही होनी चाहिए, कोई और नंबर के साथ नहीं, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं, सिर्फ 1 के साथ जीरोज़ वाले नंबर के केस में ऐसा होता है कि अगर किसी डेसिमल नंबर को हमने 1 के साथ जीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो जितनी जीरोज़ हैं उसमें उतनी ही डिजिट तक वो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। अब अगर जैसे हमने सिर्फ 1 ही जीरो से है, 10 मतलब 10 ना, तो मतलब जो डेसिमल है वो राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। नंबर क्या था 6.92, 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब 10 का मतलब हमें अपने डेसिमल को 1 डिजिट तक शिफ्ट करना है टू द राइट साइड, तो ये राइट साइड इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये चला गया, अब ये यहाँ आ गया। अगर यही 2 डिजिट शिफ्ट करना होता तो 1 और 2 तो डेसिमल हमारा यहाँ आता। जैसे अब देखो इसके केस में है डेसिमल यहाँ था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट शिफ्ट कर दोगे डेसिमल को राइट साइड तो ये यहाँ आ जाएगा डेसिमल। क्लियर? सो सेम वे हमें फॉलो करना है इन द वर्कशीट 3, लाइक वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर 0.2 by 10, तो डेसिमल हमारे राइट साइड शिफ्ट होंगे जब मल्टीप्लाई होता है। तो 10 है मतलब डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो गया, 2 के बाद पॉइंट आया तो 2 के बाद पॉइंट लगाने के बाद कोई डिजिट नहीं बची तो 0 लगा देंगे, एंड 2.0 is 2। सेम 1.18 को 10 से किया है तो डिजिट राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगी, 1 डिजिट शिफ्ट कर यहाँ डेसिमल आ जाएगा, दिस इज आंसर। सेम ऐसे ही इसके अदर पार्ट्स हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके, एक मैं आपको ये समझा देती हूँ, 45.01 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 का मतलब 3 डिजिट तक हमें डेसिमल शिफ्ट करना है। अब नंबर क्या था हमारा 45.01, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब 3 डिजिट शिफ्ट करनी है, तो 1 डिजिट शिफ्ट कर दी, 2 डिजिट शिफ्ट कर दी, 3 डिजिट, बट यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं है, अब डेसिमल तो यहाँ आना चाहिए था ना, तभी 3 डिजिट्स के बाद शिफ्ट होता, तो यहाँ कोई अगर वैल्यू ही नहीं है तो मतलब यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। अब डेसिमल के बाद भी कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0, ये वाला डेसिमल तो खत्म हो गया ना, तो मतलब नंबर क्या आया हमारा 45010.0। क्लियर? सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्कशीट इन योर नोटबुक, देन आफ्टर दिस सम 2 ऑफ दिस वर्कशीट। सेम केस है बिल्कुल जैसा हमने उसमें किया था, बस अब आपको इसमें बताना है कि आपने कितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया था कि आपका आंसर ये आया, थोड़ा सा अपोजिट हो गया ये हमारा। तो देखो क्या है इसके अंदर, 1.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 15 आ जाए। अब हमें दिख रहा है कि इसके अंदर तो हमारा डेसिमल था ना, हमें क्लियरली दिख रहा है डेसिमल हमारा कहाँ है, 5 और 1 के बीच में है हमारा डेसिमल। तो देखो क्या करेंगे हम, अब हमारा डेसिमल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, डेसिमल को शिफ्ट करके देखो, 1.5 था हमारा, सो ये 1.5 में आपने डेसिमल शिफ्ट किया, डेसिमल यहाँ लगा दिया तो 15 के बाद पॉइंट लग गया मतलब 0, तो मतलब एक ही डिजिट हुआ ना शिफ्ट, तभी तो आंसर 15 आया, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है। सेम इसमें देखो कि डेसिमल पूरा ही रिमूव हो गया, मतलब डेसिमल हमारा यहाँ आया होगा कंप्लीट नंबर के बाद, मतलब 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है मतलब 100। सेम ऐसे ही इसमें, अब देखो 0.8 है, 0.8 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि आंसर 80 आ जाए, करके देखो शिफ्ट, एक बार मल्टीप्लाई किया यहाँ आता डेसिमल तो 8 पॉइंट होता, ये तो है ही नहीं, एक और शिफ्ट करके देखो, अगर हम यहाँ लगा देते पॉइंट तो यहाँ 0 होनी चाहिए थी और यहाँ भी 0 बन गया 80.0 विच इज़ द 80, दैट मीन्स 100 से हमने किया तभी तो 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है। सेम फॉर द अदर पार्ट्स, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट वर्कशीट, ये तो आपको वैसे आता ही है, हमने सिंपल नंबर में किया हुआ है, ये फ्रैक्शनल में भी किया हुआ है, मिसिंग नंबर्स हैं कि लेफ्ट साइड अगर 2 नंबर्स हैं तो राइट साइड भी वही 2 नंबर्स होंगे अगर 2 नंबर्स का स्पेस है, एक नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है तो सेकेंड नंबर कौन सा हुआ ये भला, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है, अगेन मिसिंग नंबर, किसी नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि नंबर इट्सेल्फ आए, नंबर इट्सेल्फ तो तभी आ सकता है जब 1 से मल्टीप्लाई किया हो,
सेम आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट थ्री सम वन इन नोटबुक एंड सम टू एंड वर्कशीट फोर इन योर बुक. थैंक यू.